हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास सिक्स का हिस्ट्री का जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ लेवल के हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि सारे ही प्रश्न जो हैं सिविल सर्विस लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3 का वीडियो डाल चुका हूँ और इसके साथ ही साथ मैं बीपीएससी और सीडीपीओ का सेट भी डाल चुका हूँ, 2 सेट मैं डाल चुका हूँ। तो यह सब एक साथ जारी रहेगा ताकि आपकी जो है बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी जो है अच्छी तरह से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे पहले खोजा गया नगर है हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 80 वर्ष पूर्व हुई थी, लगभग 80 वर्ष पूर्व इसकी खोज हुई थी। और हड़प्पा शहर जो है वो लगभग 4700 वर्ष पहले ये हड़प्पा शहर अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरातत्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में अवस्थित है अभी ये। और लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां के इंजीनियरों को हड़प्पा के अवशेष के बारे में पता चला, क्योंकि वहां की ईंटें अच्छी थी इसीलिए इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों के लिए इस सभ्यता के जो अवशेष थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, ये सही नहीं है। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ये चार दीवारियां जो है पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दीवारों को मजबूत रखने के लिए जो है विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी छोटी नहरें निकाली गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि इसमें जो है पानी भरने के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था और एक बार इस्तेमाल करने के बाद स्नानागार को खाली कर दिया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ आप नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। सही है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडारगिरी मिले हैं, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही जो है वो सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन पांचों ही स्थानों पर जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सिंध पाकिस्तान में, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा और पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता के घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये गलत है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था, नहीं, नालियों को जो है हड़प्पा सभ्यता के समय में नालियों को ढककर रखा जाता था। ठीक है, और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में जाकर मिल जाती थी। और यहाँ के घर जो है आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। सही है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी सही है। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, और बाट को बनाने के लिए जो है चर्ट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, चूना पत्थर का नहीं बल्कि
चर्ट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था और मनकों के निर्माण में कालीनियन नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मूढ़े बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और तीन जो है वो हमारा सही है। और दूसरा में जो है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार ही नहीं बनाए जाते थे बल्कि इनसे गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत कढ़ाई का काम होता था। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही सही है लेकिन कथन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, और लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, 7000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूल के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहां से प्राप्त पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी हुई तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समानतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंगों का प्रयोग हुआ है और काले रंगों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई और निचले हिस्से में काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल के प्रयोग किए जाने वाले फियंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फियंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फियंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, हड़प्पा काल में फियंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था और फेंस को तैयार करने के लिए बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद को मिलाया जाता था और उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से मिलाइए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आयतित वस्तुएं इसको मिलान करते हैं और एक तरफ स्थान है तो तांबा जो है राजस्थान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, ठीक है, सोना कर्नाटक से और टीन जो है अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा और सी का चौथा, ए का तीसरा और सी का चौथा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और तांबे का आयात जो है पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी किया जाता था। ठीक है, और इस काल में चीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान दोनों जगह से किया जाता था और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। सूची को मिलाना और सही उत्तर चुनना, एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है दूसरी तरफ वो जिस नदी पर अवस्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी पे, ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, कालीबंगा गग्गर नदी पे और लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। और रावी जो है सिंधु की सहायक नदी थी और भोगवा जो है ये साबरमती नदी की सहायक नदी थी। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धोलावीरा जो है हमारा गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त है, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बंटा था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धोलावीरा जो है तीन भागों में बंटा हुआ नगर था। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल जो है गुजरात में अवस्थित एक बंदरगाह नगर था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है वही सही है। उस समय थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से तीनों ही जो है सम्मिलित है, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। ठीक है, और लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है शुरू हो गया। ठीक है, लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, वेद संख्या में चार है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा सूक्त या श्लोक है। ठीक है, सूक्त या श्लोक, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया और ये सूक्त जो है एक्चुअली प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति दी गई है, इनमें से तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को कहते हैं और इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति माने जाते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सूक्तों की रचना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के द्वारा भी की गई थी और ऋग्वेद को छापने का काम जो है अभी से लगभग 200 वर्ष पहले ही पूरा हुआ है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो सही उत्तर है तीन और चार। ठीक है, गंगा और यमुना, मतलब हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और यमुना नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सबसे कम हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज और अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है सिंधु और सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती। ठीक है, सूची एक को सूची दो से मिलाना और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी, ए का चौथा, संस्कृत भारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा ये हो गया तिब्बत वर्मा भाषा परिवार, मलयालम जो हो गया द्रविड़ भाषा परिवार और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों के बीच में नहीं बांटा जाता था बल्कि आम जनता के बीच में भी इसे बांट दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित
पुरोहित जी ने कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। सही है, राजा महलों में रहते तो शासन के लिए कर वसूलते थे, ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस समय राजशाही जैसी कोई चीज ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, तो वहां के राजा भी जो है कर नहीं वसूलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? तो ये तीनों ही शब्द मिलते हैं। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है हमारा सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता है। वैश्य शब्द विष से ही बना है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे क्या उल्लेख मिलते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दस्यु उन लोगों को कहा जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे तो कुछ ऊपर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन जो है हमारा सही है। ठीक है, महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा जो है दक्कन और उत्तर भारत के साथ साथ ये उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित थी। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 जो है सही है। ठीक है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इन बर्तनों को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन जो उस समय बनाए जाते थे। और इन कब्रों के साथ जो लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। कब्रों में जाने के लिए जो रास्ता होता था उसे हम लोग डेथ होल नहीं, पोर्ट होल कहते थे। ठीक है, पोर्ट होल। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणिक और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह घोर नदी के किनारे अवस्थित है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। यहां से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और इनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है और आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहला को छोड़ के बाकी सभी जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण उपनिषद तथा कई अन्य ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। सूची को मिलाना और सही उत्तर जो है हम लोगों को चुनना है। तो 40 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा। ब्राह्मणों का काम यज्ञ करना था। ठीक है, शूद्र का काम सेवा करना, विष का काम व्यापार करना मतलब वैश्य, और क्षत्रिय का काम
लोगों की, जनता की रक्षा करना। कथन, वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। सही है, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कथन ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यह करने का अधिकार था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला और तीसरा कथन जो है सही और दूसरा गलत है, क्योंकि अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद है। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक और दो दोनों ही कथन जो है हमारा सही है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही जगहों पर पाई गई है। पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ और अतरंजी खेरा। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहार सिक्कों के रूप में किया जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल एक जो है वो सही है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गया और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी भी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। अब राजा सेना भी रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहार सिक्कों के रूप में होता था, न कि पूरा भुगतान। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा जो है सही है। ठीक है, उस समय जो कर लिया जाता था 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल एक और दो जो है सही है, तीसरा सही नहीं है। आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, वो इलाहाबाद के नजदीक स्थित था। और कौशाम्बी जो है ये वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी। महाजनपदीय युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन है। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन जो है सही है। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तीनों ही कथन जो है सही है, तभी जाके मगध साम्राज्य का विस्तार हो सका। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार रहा, अजातशत्रु रहा, महापद्मनंद रहा। प्रसन्नजीत जो है मगध का शासक नहीं रहा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और प्रसन्नजीत कहाँ का शासक था? ये कोशल महाजनपद का था, कोशल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? तो राजगृह और पाटलिपुत्र रही, लेकिन श्रावस्ती कभी नहीं रही। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एक और दो सही है। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन जो है सही है। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, जहां की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी आम्रपाली, जिससे कि प्रेम करता था अजात शत्रु। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा ही सही है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता थे। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्तों ने। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीघ निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है और दीघ निकाय में बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था बुद्ध निकाय को। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्कार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके बाद मैं 7, 8 और 9 चैप्टर का भी वीडियो आज ही बना दूंगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज लाइक करना ना भूलें, ठीक है? और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि इसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।